सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खास मेहमान मौजूद हैं जीशा चौधरी, जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे और साथ ही उनकी इस इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में हम उनसे बात करेंगे, जो आज की महिलाओं की, लड़कियों की, बहुत सारी यंगस्टर्स की रोल मॉडल भी हैं। जीशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप फैशन डिजाइनर हैं पेशे से, बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी यंगस्टर्स की रोल मॉडल भी हैं आप। आपने अभी एक टाइटल जीता है, हम उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं, मिस एक्सक्लूसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2018। सबसे पहले आपको उसके लिए बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक्स। कैसा फील हो रहा है जब आपने इस टाइटल को प्रेजेंट किया और इतने लोगों के बीच जब आपने रैंप वॉक किया, वो जो मोमेंट था उसके बारे में कुछ बताएं। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझ जैसी लड़कियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम दी जाती है। अभी लेटली लोग खुल रहे हैं, उनके विचार ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज प्लस साइज को इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था एंड आई फेल्ट रियली वेरी गुड, एंड इट वॉज अ वेरी गुड फीलिंग फॉर मी कि मैं रैम्प वॉक में आई एम वॉकिंग एंड देन प्रेजेंटिंग माई ओन गाउन। गाउन भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। चलिए, अच्छी फीलिंग थी और आप खुद भी अच्छी हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो जर्नी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? सभी लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं कि अगर हम प्लस साइज हैं, लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन आपने पूरा कॉन्फिडेंस रखा और इस जर्नी को लेकर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। हमने आपकी रैंप वॉक भी देखी, इसके बारे में कैसे शुरुआत हुई, आप कैसे इस प्रोफेशन से जुड़ी और कैसे आपने सोचा कि मैं मॉडलिंग में जाऊँ और ये मुकाम हासिल करूँ? ओके, मैं भी दूसरों की तरह बहुत नर्वस थी, डीमोटिवेटेड थी, बट मैंने एक चीज़ सोची लाइफ में कि नो, आई शुडंट लेट माई इनसिक्योरिटीज पुल मी बैक। तो मैंने सोचा लेट्स डू समथिंग, चलो प्लस, बिकॉज आई लेटली पुट ऑन वेट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। सो इसको लोग देखते नहीं है, उनको बस मजाक बनाने से मतलब होता है, वो नहीं जानते कि कौन किस चीज़ से गुजर रहा है। तो इसीलिए आई वॉज लाइक लेट्स लीव एवरीथिंग, लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं वैसे ही फैशन डिजाइनिंग फील्ड से हूँ, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट। जब मैंने इस कॉन्टेस्ट के बारे में देखा तो आई वॉज लाइक लेट्स ट्राई, अपने आप को थोड़ा पुश करते हैं आगे, तो देखते हैं क्या होता है। एंड जीशा, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, क्या मोटिवेशन कहाँ से मिला कि कैसे मैं ये सब कर सकती हूँ? आप खुद एक फैशन डिजाइनर है, आपने बताया आपने बहुत सारे मॉडल्स को रैंप वॉक कराया होगा, उनके लिए डिजाइन किया होगा, जब उनका फिगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील होता है और लड़कियों को जो हैवी वेट होती हैं, बट ओवरसाइज होते हुए भी आपने वो सारी चीज़ों को जो है मिथ जो है करार दिया और आपने वो सारी चीज़ें करके दिखाई जो एक आम मॉडल करती है। आपने भी जब रैंप वॉक किया तो तालियों से हॉल जो है गूंज उठा और बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो प्राउड फील करती हैं कि नहीं, वो भी ये कर सकती हैं। Yes. ये जो स्ट्रेंथ है, इसके बारे में बताएं कि कहां से ये स्ट्रेंथ आई, ये जो जर्नी है, आपने बताया कि आप खुद एक फैशन डिजाइनर है, इसकी शुरुआत हुई, क्या किसी ने सजेस्ट किया था या खुद का इरादा था कि मुझे रैंप वॉक करना है? ओके, ये स्ट्रेंथ एक्चुअली मेरे कुछ रोल मॉडल्स है लाइफ में, एंड आई रियली आइडलाइज एशली ग्रहम। वो प्लस साइज मॉडल है, शी इज़ अ फॉरेन मॉडल, एंड आई रियली लव हर। वो बॉडी एक्टिविस्ट है, वो जो बातें करती हैं बॉडी पॉजिटिविटी की, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, एंड आई वॉज लाइक वाओ, यू नो, जो अपने से प्यार कर ले वो ही सब कुछ है। इनसाइड ब्यूटी इज़ एवरी थिंग। हम लोग इतना एक्सटर्नल ब्यूटी का हम इतना वो देखते रहते हैं कि बाहरी सुंदरता, तो वो इज नॉट द राइट थिंग। अच्छा दिल और साफ दिमाग होना जरूरी है। सो दिस इज व्हाट ब्यूटी इज ऑल अबाउट, हैविंग अ गुड हार्ट एंड सोल। जी, आपका क्राउन बहुत सुंदर लग रहा है। जब आपने टाइटल जीता वहां पर तो कैसा फील हुआ, और फैमिली में आपके कौन कौन है, उनको जब ये पता लगा कि उनकी बेटी ने ये प्रूव किया है, अब ये क्राउन जीत लिया है, कैसा लगा उनको? उनको अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ तुम मोटी हो, ये हो, बट दे वर सो हैप्पी एंड सो प्राउड। एंड हाँ, उनका भी कंसर्न इज ओके, बिकॉज एट द एंड इट्स लाइक दे आर कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, तो आई गेट इट, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा, माई मॉम वॉज सो हैप्पी। पापा मेरे आ नहीं पाए थे तो मॉम ने जल्दी से पापा को कॉल किया, पूरा लाइफ थे हम लोग, तो इट वॉज़ वेरी गुड।
जब आप रैंप वॉक करने जा रही थी पहली बार स्टेज पर और इतना बड़ा पेजेंट था, आपने क्राउन यहाँ पर विन किया है, लेकिन उससे पहले जब आप पहली बार स्टेज पर चली, जब प्रैक्टिस किया होगा, कैसा फील हो रहा था? बटरफ्लाइज हो रही थी स्टमक में? यस, इट वाज सो गुड. नर्वसनेस था, थोड़ी नर्वस थी, और सब लोग इतने कम्फर्टिंग इनकरेजिंग थे, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे, तुम अच्छा कर रही हो, ये कर रही हो. मतलब होता था, मिस्टेक्स होती हम लोग से, एक दो राउंड्स में कुछ हो जाती है गलतियाँ. इतने सपोर्टिव थे सब, मैम से लेके पूरी टीम, इंटायर टीम ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सक्लूसिव, वो सो सपोर्टिंग, इनकरेजिंग. सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिला. जी, वहीं अगर बात करें क्या पॉजिटिव है, आपने बताया कि आपने अपना गाउन भी खुद डिज़ाइन किया. yes. उस वक्त आपने जब और मॉडल्स को वॉक करते हुए देखा होगा, जब आपने किया तो क्या मुश्किलें आई, क्या कभी लगा कि नहीं मैं ये क्या कर रही हूँ, या क्विट करने की सोची, कभी ऐसा आया वो मोमेंट? नहीं, मेरे को क्विट करने का कभी ऐसा फीलिंग नहीं आया. बस ये था कि मैं इधर हूँ लोगों को प्रूव करने के लिए रॉन्ग, कि हाँ मुझ जैसे लोग, हम लोग के भी सपने होते हैं और हम लोग पूरा कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट कि आप मोटे हो या पतले हो, यू शुड हैव अ गुड हार्ट एंड गुड सोल, एंड दैट्स इट व्हाट रियली मैटर्स टू मी, दैट इज व्हाट ब्यूटी इज. अच्छा, चलिए, आप जब जीत गई, ये पेजेंट जीत गई, बहुत खुश हैं आप, आज भी खुश हैं, अब इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, लोग आपके साथ सेल्फी क्लिक कराते होंगे, फैमिली भी प्राउड फील कर रही है कि उनकी बेटी ने ये मुकाम हासिल किया है अपनी लाइफ में और जो सोचा था वो करके दिखाया है. अब लाइफ क्या सडन, ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, क्या अब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं कि मुझे आगे इस फील्ड में और आगे जाना है, क्या बदलाव आए हैं? और सबसे पहले ये सेलिब्रेशन जो हुआ वो कैसे किया आपने, क्या कुछ पसंद है आपको, किस तरह से सेलिब्रेशन? तो मैं तो सबसे पहले अपनी सारी टीचर्स से मिली, एक तो पूरी इंटायर टीम ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड एक्सक्लूसिव के साथ बैठ के सेलिब्रेट किया कि इधर तक मैं पहुंची हूँ, उन्हीं की वजह से पहुंची हूँ. देन दी वेरी नेक्स्ट मोमेंट, द नेक्स्ट डे इनफैक्ट, आई वुड से आई वेंट एंड मेट ऑल माई टीचर्स, मिस्टर संदीप मारवा जी, उनसे मिल के आई मैं, क्योंकि इन सबसे ही मैंने सब कुछ सीखा है और जो भी मैं हूँ आज, मैं उन्हीं की वजह से हूँ. सो माय सेलिब्रेशन वाज विद माय एंटायर फैमिली एंड ऑल द पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू माय सक्सेस. अब उन लोगों के लिए जीशा क्या कहेंगी, क्या मंत्रा देंगी, जो अब जिनके लिए आप रोल मॉडल बन गई हैं, आप न्यूज़पेपर्स के कवर पे हैं, आप मैगजीन्स के कवर पे हैं. वहीं बात करें जो लोग इस तरह से शाई फील करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके भी सपने होते हैं लेकिन कभी कर नहीं पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, मजाक बना देते हैं, लेकिन आपने प्रूव करके दिखाया, अब उनको भी लग रहा होगा कि हम अगर जीशा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, उनके लिए क्या, व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्रा? माई सक्सेस to them is don't care about what people are saying. आप अच्छा करो या बुरा करो, लोग बोलेंगे. आप अपने दिल को follow करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए. Just believe in yourself, अपने आप से प्यार करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और eventually things will fall in place. अच्छा, सब ये जानना चाहते होंगे कि जीशा को पसंद क्या है, सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, क्या चॉकलेट्स पसंद है आम लड़कियों की तरह, या पिज़्ज़ा, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है? आई एम अ फूडी, आई लव फूड, एंड मेरे पापा बहुत अच्छे शेफ है, ही रियली कुक्स वेल, एंड इवन माई मॉम, सो होम मेड लाइक या दे हैव दी स्पेशल बटर चिकन एंड ऑल, तो आई जस्ट लव. And yeah, I eat, I like, I am a big foodie, so हाँ, pizza and all कभी कभार चलता है. But हाँ, this is what I keep telling people कि it is not that कि हम लोग, you know, people ये misunderstand करते हैं कि plus size है तो दिन रात खाते रहते हैं. नहीं, मेरा यही है कि हम लोग की body types बहुत different होती हैं. Yes, we do eat junk also, we do eat healthy as well. It is not that कि हम 24/7 पूरा junk food खाए जा रहे हैं या गलत चलत खा रहे. सो ये तो नहीं है, बट या आई लाइक ईटिंग, मैं हेल्दी भी खाती हूँ और बाहर का भी कभी कभार चलता है. आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में कुछ बताएं, कब आपने, आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं बड़ी हूँ और मेरा वेट ज़्यादा है, कब किसी ने कुछ कहा या किसी ने मजाक बनाया हो, तब गुस्सा आता हो, फिर आपने सोचा हो कि नहीं मैं इसे ओवरकम करूँगी, कभी एक्सरसाइज वगैरह या जिम जाना शुरू किया हो? सी हाँ, मैं प्रेशराइज हुई तो थी कि होता है, पीपल डीमोटिवेट यू कि मोटी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट देन समवेयर आई थॉट कि देन, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला बॉडी टाइप्स होती हैं, अब मैंने इतना वेट लूज करने के बाद भी आई वाज लाइक कि ओ नो, अब तो बहुत ज़्यादा, यू नो, स्ट्रेसिंग माई सेल्फ, लूजिंग माई माइंड ओवर इट. सो आई वाज लाइक ओके, लेट्स गिव इट अ ब्रेक,
अपने आप को थोड़ा शांत रखो, अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है उसकी वजह से मैं स्पेशली कुछ करूँ. दैट मेक्स नो सेंस. अपने आप को पीसफुली, आई गो टू द जिम, मैं वर्कआउट करती हूँ ना, आई एम वेरी पीसफुल कि मैं किसी के प्रेशर या किसी की नेगेटिविटी से इफेक्ट होके कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम लाइक येस, आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन हेल्थ, आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ, एट माई ओन स्पीड एंड एट माई ओन पेस. वहीं अगर बात करें, आप कितना आपने वेट पुट ऑन किया था उस वक्त, और कितना लूज़ किया इस पेजेंट में आने से पहले, कितनी मेहनत की, वो जो जज्बा था कितनी प्रैक्टिस की, और क्या कुछ जो जिससे आप गुजरी. हाँ, वो सब कुछ के बारे प्रैक्टिस एंड ऑल तो ऑब्वियसली सभी करते हैं. तो हाँ, प्रैक्टिस की थी, बट हाँ कोई प्रेशराइज, आई वॉज इन प्रेशराइज कि लूज वेट और एनी थिंग. यस, टोनिंग अप द बॉडी एंड ऑल वॉज इम्पॉर्टेंट. तो जैसे मेरे रेगुलर वर्कआउट्स थे वो ही करती थी. आई यूज टू गो टू माई जिम, डू माई रेगुलर वर्कआउट एंड देन नॉर्मल घर का खाना जो भी खाते हैं वो ही खाती थी मैं. नथिंग यू नो, कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज इट वॉज ऑल अबाउट बींग योर सेल्फ. बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट इन द बॉडी यू आर, लव योर सेल्फ. ये आपकी बॉडी है, आप प्यार करिए अपनी बॉडी से. कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ा, क्यों कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अब आपने एक मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे जो मेहनत है वो अब नजर आती है. आपने डिजाइन अपना गाउन खुद किया, रैंप पर आने के लिए बहुत मेहनत की होगी, और ये जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए इतने लोगों के बीच. तो उस सब के बारे में बताइए, क्या कुछ आपने सैक्रिफाइस किया, चाहे वो डाइट की बात हो या कुछ और. सैक्रिफाइस आई वॉन्ट से, बट मेरे को ये पूरी जर्नी बहुत मोटिवेटिंग रही है, क्योंकि आई थिंक बिफोर दिस पेजेंट मैं बहुत डीमोटिवेटेड, सैड, डिप्रेस थी. आफ्टर ऑल जब मैंने ये पेजेंट ज्वाइन किया, आई केम अक्रॉस दीज पीपल, आई वॉज लाइक कितने वंडरफुल लोग हैं दुनिया में. मैं कनेक्ट कर पा रही थी सबकी स्टोरी से. मुझ जैसे ही सब कंटेस्टेंट्स थे, एवरीबडी वी हैड गॉन थ्रू बॉडी शेमिंग और बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सब अपनी लाइफ की जर्नीज में, जो भी स्ट्रगल्स थी, आई फेल्ट कनेक्टेड. सो सैक्रिफाइस तो आई वुडेंट से कि मैंने कुछ किया है. आई थिंक मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा, आई वॉज इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट एंड यू नो बहुत डिप्रेस थी, बट आफ्टर कमिंग डाउन टू द पेजेंट इट ऑल चेंज्ड माई लाइफ. आई एम सो हैप्पी कि मुझे एक नई फैमिली मिली है, कि पूरा यू नो द होल एक्सक्लूसिव एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम इज सच अ वंडरफुल टीम ऑफ माइन, कि हमेशा दे आर देयर विथ मी, हमेशा दे आर देयर टू सपोर्ट मी, गिव मी पॉजिटिविटी वेन एवर आई एम फीलिंग लो, एंड आई एम रियली प्राउड दैट येस आई हैव दीज पीपल फॉर मी. चलिए, अब आप बहुत सारी लड़कियों की, बहुत सारी यंगस्टर्स की इंस्पिरेशन है, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन कौन है जीशा? माई इंस्पिरेशन ऑब्वियसली आई वुड से माई मॉम तो है ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई से कि रोल मॉडल्स हो, तो मैंने जैसे मेंशन किया था एशली ग्रहम. सिंस आई एम ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग प्लस साइज इन इंडिया, मैं उनको बहुत आइडलाइज करती हूँ. उनसे ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है. मैं उनकी स्पीचेस सुनती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, बहुत पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करती हैं वो. इट्स वेरी ब्यूटिफुल कि ऐसे लोग हैं इस दुनिया में हु अंडरस्टैंड यू, हु आर टॉकिंग एंड एड्रेसिंग टॉपिक्स जो आप जिन चीज़ों से गुजर चुके हो. सो आई रियली एडमायर हर, शी इज़ अ वंडरफुल वुमन. जीशा, जब आप फैशन डिजाइनिंग में आई, आपका जाहिर है कि इंटरेस्ट होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था आप मॉडलिंग के क्षेत्र में आएंगी, आप इस तरह से पेजेंट जीतेंगी, क्राउन जीतेंगी? नो, आई डिड नॉट थिंक, दो इंटरेस्ट हमेशा था, बट देर वही ना जैसे बोलते कि डीमोटिवेट कर देते थे लोग कि हाँ मोटे हो. हम लोग की वैसे एज अ डिजाइनर वॉक्स होती है, उसमें खुश रहती थी. कभी सोचा नहीं था कि एज अ मॉडल आई विल कम अप, बट इट्स वेरी नाइस कि अब नाउ आई एम अ प्लस साइज मॉडल, आई एम मॉडलिंग एंड आई एम मॉडलिंग इन दिस फिगर, इन दिस ओन बॉडी ऑफ माइंड, जिसमें मैं मतलब यू नो पहले प्रेशर था नहीं इतना पतला होना पड़ेगा ये सब अचीव करने के लिए, बट मेरे को बहुत खुशी है कि मैं अब ऐसी ही फिगर में, लाइक दिस आई एम अ मोटिवेशन टू अदर्स एंड आई एम एबल टू अचीव माय ड्रीम्स लाइक दिस. नाउ यू हैव प्रूव्ड योर सेल्फ टू सो मैनी पीपल. अगर बात करें जो लोग आपने बताया कि डीमोटिवेट करते थे, अब जब आप उनसे मिलती हैं तो क्या उनका नजरिया बदला है? वैसे तो मैं मिलती नहीं हूँ उनसे. आई डू नॉट बिलीव इन एंटरटेनिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, क्योंकि ये लोग आपको बहुत नीचे, यू नो दे विल डू थिंग्स टू पुल यू डाउन. सो यही है, डू नॉट एंटरटेन दीज थिंग्स, इनको भाव मत दीजिए, इनको बस जस्ट लेट देम टॉक, आपका काम खुद ही बता देगा. अभी मुझे इनसे मिलने की
जरूरत ही नहीं पड़ी, दे कैन सी आई एम ऑल ओवर द न्यूज़पेपर, आई एम ऑल ओवर द न्यूज़ चैनल्स. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज जो मेरे साथ थे पूरे सफर में. आई एम नॉट गिविंग एनी हीट टू एनी पीपल हुव शोन एनी डिसरिस्पेक्ट और एनी चीप कॉमेंट्स पास्ड ऑन मी. मैं इन लोग को ध्यान नहीं दे रही. जी साहब, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि नाउ यू आर एक्सक्लूसिव और साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लस साइज मॉडल आपने पेजेंट जीता है 2018 का. अब आगे क्या आप मॉडलिंग में ही अपने करियर को आगे बढ़ाएंगी या फिर आप एक बार फिर से फैशन डिजाइनिंग में भी अपना जो आपने सीखा है या जो करना चाहती थी उसको भी करेंगी, या कोई और सपने भी हैं आपके, कुछ और अचीव कुछ और एम भी हैं लाइफ के? सी आई थिंक फैशन एंड मॉडलिंग दिस ऑल कम्स इन द फैशन इंडस्ट्री इटसेल्फ. तो एज अ डिजाइनर अगर देखा जाए तो आई वुड लव टू स्टार्ट अ प्लस साइज ब्रांड. मैं इसके बारे में सोच ही रही हूँ और इस पर वर्क भी to start a plus size brand. And obviously modeling, I would love to model, and I got connected with modeling agencies and all, logo ke bhi offers aaye hain, so it's really nice. I wouldn't like to give up the opportunity for modeling, because yes, I am at the end looking for opportunities and achhi opportunities aa rahi, so I'm grabbing them as well. And yes, as a designer, I would like to start a brand for plus size one day. जी शाह, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते होंगे, क्यूरोसिटी होगी कि जी शाह जब मॉडलिंग नहीं कर रही होती या जब फैशन डिजाइनिंग नहीं कर रही होती, अपने घर पे होती हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर रही होती हैं, तो वो क्या करना पसंद करती हैं? ओके ओके, माय फेवरेट पार्ट ऑफ माय होल डे इज स्पेंडिंग टाइम विद माय कैट. मेरे पास एक पेट कैट है, मैं उसके साथ रहती हूँ. आई जस्ट स्पेंड माय टाइम विद हिम, एंड या लाइक व्हेनेवर आई एम फ्री, काम से फ्री हो जाती हूँ. आजकल इतने इंटरव्यूज होते हैं मेरे, तो मैं वही लेट आती हूँ. मैं बस उसको पकड़ के, मेरे को शांति मिलती है उसके साथ. ही इज़ अ वेरी पीसफुल कैट. आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माय फैमिली, एंड दिस इज व्हाट इट ऑल ब्रिंग्स मी पीस एट द एंड. बीइंग पीसफुल, हैविंग अ पीसफुल लाइफ इज व्हाट मैटर्स टू मी. और अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, क्या करना पसंद था बचपन में, जो सपने थे वो क्या थे? हाँ. और जो अब आपने अपनी लाइफ में किया है, जो कुछ अचीव किया है, आगे आपके क्या एम्स हैं? मेरे जो भी सपने थे आई थिंक मैं धीरे धीरे अचीव कर रही हूँ. जब से मैं छोटी थी, मेरी आदत थी यू नो दुपट्टों से खेलने की, तो वो तब से ये था कि हाँ मैं ड्रेप करती थी उन्हें अपने ऊपर ही, कुछ तो कुछ उनका ड्रेस बनाती रहती थी. सो हियर आई एम अ फैशन डिजाइनर नाउ. सो यस, धीरे धीरे विजन्स मेरी और ज़्यादा बढ़ रही हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है. सो स्लोली स्लोली आई एम अचीविंग माई ड्रीम्स, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आई एम बींग एबल टू डू ऑल दिस. जीशा, अब लाइफ ओवरऑल कितनी चेंज हुई है? टीनेजर की बात करें, जब वेट ज़्यादा होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारी लाइफ के साथ, लोग चढ़ाते हैं, बाहर जाने में जो है कई बार अवॉइड करना पड़ता होगा फ्रेंड्स के साथ, जब और फ्रेंड्स जाते हैं तो उस दौर में वो जो टेंशन होती थी, क्या कभी हुई आपको टेंशन हुई? हाँ देखो, टीनेज में ये होता है क्योंकि टीनेज बहुत सेंसिटिव एज होती है, वहाँ पे हम ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक्सटर्नल लुक्स एंड ऑल. बट फाइनली आई हैव रियलाइज्ड कि दिस ऑल इज़ वेरी टेम्प्ररी एक्सटर्नल लुक्स. अच्छा, जैसे मैंने बोला है कि अच्छा दिल रखो, अच्छे काम करो, दैट इज़ वॉट एक्चुअली मैटर्स. सो विद टाइम मेरे को भी ये रियलाइज हुआ, वेट पतले हो, मोटे हो, छोटे हो, लंबे हो, इट डजंट रियली मैटर. इट इज़ ऑल दैट कि अच्छा होना चाहिए अंदर से. वहीं वो जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनके अब आप रोल मॉडल हैं, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आप उनको गाइड भी कर सकते हैं, वो भी ये जानना चाहते होंगे, क्या कभी उस एज में जब आपको लगा कि यू आर ओवरवेट और मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, बहुत सारी जो लड़कियां हैं या बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं, वो क्या करते हैं, अचानक से डाइट पर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? आई वुड से इट्स वेरी अनहेल्दी. एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करना इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो फोर्सफुली अप्लाइंग थिंग्स. So, वो ही है कि मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती थी. कभी कभार इतना होता था कि बहुत ज्यादा कि जोश में आके सब कुछ करो, डाइटिंग पे चले जाओ, कुछ ना खाओ, एंड देन वही है रिजल्ट्स यही होते थे कि बीमार पड़ जाना ये वो. तो आई वुड जस्ट से कि ठीक है, गिव टाइम टू योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ. सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो करिए, आप अपने आप से प्यार करिए, और जो अपने आप से प्यार करते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने हेल्थ और सब पे ध्यान दे ही देता है. सो कभी स्ट्रेस के अंडर कुछ मत करिए, लोग बोलेंगे, आप जैसे हैं वैसे खुश रहिए,
एंड वर्क टूवर्ड्स योर ओन हेल्थ, खुद अपने स्पीड पे, कोई प्रेशराइज मत होइए कि ये करना है ऊपर से, वो करना है, जल्दी करना है. जल्दी के रिजल्ट्स आर नॉट हेल्दी, दे आर वेरी अनहेल्दी. जी सर, अब आपको लोग जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, आप इतने इंटरव्यूज दे रही हैं, आप नाउ यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी. एक कॉलर है हमारे साथ, एक सरप्राइज कॉलर है हमारे साथ जुड़ी हुई, शायद उनको आप जानती भी होंगी. एक बार आप सुनिए और बताइए पहचान के कि कौन है वो. ओके, हेलो हेलो हेलो, जीशा चौधरी हमारे साथ लाइव हैं. जीशा पहचानिए कौन. हेलो हेलो हेलो, प्रणाम मम्मा, कैसे हो. जिंदा रे पत्थर, कैसा है बेटा. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो. अच्छा, पहचान गई मुझे. हेलो. हाँ बेटा, कैसी हो. मम्मा मैं इंटरव्यू पे हूँ अभी. हाँ, मुझे पता है, बताया था मुझे. बेटा कैसा हो रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है, इधर सब बहुत अच्छे हैं और अच्छा लग रहा है, मेरे बारे में सब जान रहे हैं. अच्छा अच्छा, वेरी गुड बेटा. और अच्छा कर रहे हो. चलो चलिए. जीशा, आप तो रोज ही अपनी मम्मा से बात करते होंगे, आज पहली बार शायद आप लाइव बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शर्मा भी रहे हैं. आपकी मम्मा से हम भी बात करते हैं. नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बिटिया ने आपको प्राउड फील कराया, कैसा लगता है और क्या आपको कभी लगा कि हमारी बेटी जो है इस तरह से पेजेंट जीत सकती है. नहीं, जब ये इसमें पार्टिसिपेट किया तो हमें लग रहा था कि ये जब प्रोग्राम चल रहा था तो हमें पता चल गया था कि ये क्राउन तो दिशा ही जीतेगी, क्योंकि कुछ देख के एक्टिविटीज पता चल जाता है. लेकिन हाँ, पहले हमें कभी नहीं लगता था. मैं तो बल्कि बहुत दुखी होती थी इसका वो देख करके. हाँ, ये मोटापा देख करके मैं तो हमेशा इसके साथ बहुत डांटती रहती थी इसके लिए, मगर इसने पता नहीं कब क्या करके कुछ ना कुछ तो कर ही लिया. चलो इसके लिए तो मुझे खूब खुशी हुई है कि चलो कुछ तो किया, किसी भी दिशा में किया, बट किया तो. काफी तो मैं बहुत जी, पेरेंट्स ही बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपने भी बहुत सपोर्ट किया, हालांकि बहुत रिस्ट्रिक्ट भी किया. लेकिन अगर बचपन की बात करें, कब आपको ये रियलाइज हुआ कि जीशा जो है थोड़ी फैट है और आपने उन्हें डांटना शुरू करा, कब उनको डाइट को लेकर आपने कहना शुरू करा कि थोड़ा हेल्दी फूड लो, थोड़ा एक्सरसाइज पे भी ध्यान दो, कभी ऐसा हुआ. मतलब ये कौन सा, मतलब आज भी, यानी यस्टरडे की भी बात करो, आज तो मुझे अभी मिली नहीं है. मैं तो क्राउन जीतने के बाद भी यही कहती हूँ कि भाई तुमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा. तो कहती है मेरे को तो मोटापे से मिल गया क्राउन. मैंने कहा ठीक है, तुम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद अपने थोड़े हेल्थ पे ध्यान दो, इतने मोटापे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अपना करो, सेहत का देखो अपना, थोड़ा एक्सरसाइज करो, कुछ करो, खाने को कम करो, थोड़ा जो खाती हो कैलोरी इतनी हाई कैलोरी खाती हो तुम, उसको तुम थोड़ा कम करो. अब देखो ये इनका है कि क्या करती हैं तो क्या नहीं करती हैं, करती तो नहीं है. जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप प्यार से जीशा को क्या बुलाती हैं और क्या वो खाना पसंद करती हैं, बचपन में क्या आप खाना पसंद करती थी और अब जब पेजेंट जीता है अब कितनी कॉन्शियस हो गई हैं. मुझे तो नहीं लगता कि कॉन्शियस ये फूड को लेकर के कोई वो हुई है. ये बटर, इसको तो वेजिटेरियन बिल्कुल है ही नहीं है, इसको खिला नहीं सकते आप वेजिटेबल. तो इसको चीज का ग्रिल सी चीज पूरी खिला दो, बटर खिला दो, घी एक कटोरी में, एक अगर दाल खिला दी तो एक कटोरी दाल में एक कटोरी घी देसी डाल दो. अच्छा, और ये चॉकलेट खिला दो, पिज्जा खिला दो, इसको बर्गर खिला दो, रोटी मत खिलाओ, इसको दाल मत खिलाओ, हरी सब्जियां मत खिलाओ. और बचपन में खिचड़ी खाती थी, लेकिन ये जो छोटी सी थी ना, ये छोटी खिचड़ी खाती थी, कोई सी भी खिचड़ी प्यार से क्या बुलाती थी. नहीं, क्राउन जीतने के बाद ही बेबी एलिफेंट. क्राउन जीतने के बाद आपने बेबी एलिफेंट क्या. हाँ, मैंने इससे कहा था कि बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी हाथी के मुंह पे कोई छोटी सी गुड़िया का मुंह लगा दे. चलिए बहुत शुक्रिया मैम आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए. तो बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही जीशा आपकी मम्मा के साथ. उन्होंने काफी सारे खुलासे कर दिए. मम्मा के साथ मैं ज्यादातर आउटिंग्स पे जाती हूँ और आउटिंग्स आर द टाइम व्हेन यू गेट टू ईट जंक, तो यही है. तो मम्मा इट्स ओके. क्या कभी गुस्सा आया कि मम्मा ने इस तरह से कहा.
गुस्सा नहीं आया, बट कभी कभार जैसे मम्मा साउंड अभी ठीक है, वी आर हैविंग अ वेरी नाइस लाफेबल कॉन्वर्सेशन, बट देर हैव बीन टाइम्स कि मम्मा बहुत ज़्यादा वो ऑब्वियसली आ जाती है, फिक्र हो जाती है उन्हें. ठीक है, आई कम्प्लीटली गेट दी हेल्थ इशू कि हाँ ठीक है हेल्थ के चक्कर में. चलिए, काफ़ी लोगों ने आपको देखा और सराहा भी, आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, आप इसी तरह रैम वॉक करती रहें, लोगों के दिलों पर राज करती रहें. जी मन तो नहीं कर रहा आपको विदा कहने का, लेकिन करना पड़ेगा. बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए. तो ये थी जीशा चौधरी, हमारे साथ स्टूडियो में लाइव जुड़ी हुई थी. खास पेशकश में अभी बस इतना ही, देखते रहिए MH1 न्यूज. ये जलवा फैशन का है, ये जलवा.